हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा मेरा कैमरा का प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगा। एनालिसिस करते हैं हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के सेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट दो तीन वीडियो में बताया हुआ है, 25,000 टारगेट होगा बैंक निफ्टी का और 11,650-11,700 टारगेट होगा निफ्टी का। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि अगर 11,650 क्रॉस कर देता है तो 12,000 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है निफ्टी में। आप मेरा जाके लास्ट दो तीन वीडियो पहले देख लो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, कंटिन्यूएशन समझ में आएगा कि मैं क्या बेसिस पे ये लेवल्स दे रहा हूँ। सो 11,650 11,700 अगर क्रॉस करता है, 12,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 23,500 अगर क्रॉस करता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 25,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। अब एनालिसिस करते हैं मंडे के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर ही है, आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर। और यहाँ पर एक गैप रेजिस्टेंस था, ये गैप फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पर भी एक गैप है, आप देख सकते हो 12,000 के अराउंड। सो 11,650-11,700 का जो गैप था वो फिलअप हो चुका है। अब नेक्स्ट जो गैप रेजिस्टेंस है वो 12,000 के आसपास है, आप देख सकते हो 12,068 के अराउंड। सो 12,000 तक टारगेट पॉसिबल है एंड 12,100 तक भी जा सकता है, क्योंकि 12,068 तक गैप है। सो 12,000 के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है निफ्टी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अभी फिलहाल के डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से 12,000 टारगेट पॉसिबल लग रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से 25,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, और 26,000 तक भी जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो 26,000 पे गैप है, यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। सो अराउंड 26,000 तक भी पॉसिबल है अगर 25,000 का लेवल क्रॉस करता है तो। सो अभी फिलहाल एज पर करंट चार्ट स्ट्रक्चर, एज पर करंट डेटा, 25,000 तक पॉसिबल लगता है बैंक निफ्टी। अगर 25,000 क्रॉस कर लेता है तो 26,000 भी पॉसिबल है। सो आपका स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए इंडेक्स में, वो बाय इंडेक्स होना चाहिए। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है आपको बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट होना चाहिए 25,000 एंड 12,000। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाटा कंज्यूमर सेल दिया था, इसमें जो सेल दिया था वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। टोरेंट पावर मैंने सेल दिया था, इसमें भी जो सेल दिया था वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। एंड मैंने आपको डिवी स्लैब बाय दिया था, इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बाय दिया था 3278 के ऊपर और ये 3297 तक जाके आया। इंट्राडे में इसमें आपने पैसा कमाया होगा डिवी स्लैब में। तो अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यस, डिवी स्लैब मैंने ट्रेड किया था और मुझे प्रॉफिट आया। अब डिस्कस करते हैं मंडे के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा गॉडफ्रे फिलिप्स। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली नेगेटिव है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेल किया है इसने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक्सट्रीमली एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है इसमें, आप देख सकते हो। और मुझे लगता है यहाँ तक ही आ सकता है 965 के लेवल्स तक, ये पूरा का पूरा गैप फिल कर सकता है ये। सो गॉडफ्रे फिलिप्स काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स का स्ट्रक्चर शॉर्ट की तरफ काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक होगा पीएल। पीएल का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसने डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया है और इसमें भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ शॉर्टिंग हुआ है। सो पीएल में भी एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, इंट्राडे सेशन के लिए काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा कॉनकोर। कॉनकोर का स्ट्रक्चर मुझे बाइंग की तरफ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो एक फॉल आया था बड़ा, ये पूरा कंसोलिडेशन था, आप देख सकते हो ईच एंड एवरी कैंडल इज अ डेली कैंडल, तो बहुत कंसोलिडेशन के बाद अब ये ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और हो सकता है ये गैप फिल कर सकता है। तो कॉनकोर काफी अच्छा बाय रहेगा इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी, फॉर अ टारगेट ऑफ 430-440। तो कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।